सीधे आगरा से तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद हैं। बीजेपी एससी मोर्चा का अधिवेशन जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। जी असीम अरुण जी, अनुप वाल्मीकि जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मुन्नूलाल कोरे जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पदाधिकारी और भाई और बहनों, ब्रज भूमि के इस महत्वपूर्ण स्थल आगरा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आप सभी का प्रदेश की जनता की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं यहां पर आए हैं। मैं आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका ब्रजभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में पूरे देश का प्रवास करने के साथ ही अब चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके इस महाधिवेशन में स्वयं उपस्थित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता और अनुसूचित जाति मोर्चे के बारे में, इस समाज के बारे में, पार्टी और उनकी आत्मीयता को प्रदर्शित करता है, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो भारत जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का यह भाव जो मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 2014 में देश को दिया था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान, और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है, और यह कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा यहां पे भी श्री लाल सिंह आर्य कह रहे थे
भगवान राम को हम सबके साथ संवाद बनाने वाले कोई एक त्रिकाल दर्शी ऋषि थे, तो उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य रामलला के दर्शन जनसाधारण को कराने की बारी आई, तो उसके पहले मोदी जी ने पहला काम किया, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना था उसका नामकरण भी किया गया। भैया बहनों, ये पहली बार हुआ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले नहीं हो पाया लेकिन मोदी जी ने किया। आज अयोध्या में आप जाएंगे, पहले दर्शन आपको महर्षि वाल्मीकि के होंगे। भाइयों बहनों, काशी में शीर गोवर्धन सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि है। विवाद था, पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी, जब मोदी जी सांसद बने काशी से उन्होंने संकल्प लिया कि हमें इसके लिए कुछ करना है। और आज वहां का परिणाम क्या है, आज वहां पे लाल सिंगारे कह रहे थे शिलान्यास नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने सदगुरु रविदास जी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा को लोकार्पण कर दिया है, मूर्ति स्थापित वहां लग गई है, भव्य पार्क का निर्माण हो गया है, म्यूजियम का निर्माण हो गया है, अन्य क्षेत्र का निर्माण हो गया है, और अब उस पावन धरा पर जाने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई है। पहले सिंगल लेन की भी सड़क नहीं थी, आज 4 लेन की सड़क से जोड़ा गया है। ऐसे ही देश के अंदर सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं को सम्मान देने का कार्य मोदी जी ने किया, तो गरीब और दलित को भी वंचित को भी उसका अधिकार देने का काम किया। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को वंचित को उसकी आवाज पर आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है जिसने सदैव देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हम यहां पे आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को, कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, आगरा वासियों आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। यानी एक बार फिर से हमारे इस अनुसूचित समाज ने तय कर दिया कि दाता की भूमिका है तो दाता ही भूमिका के रूप में वह काम करेगा, और आज भी वह उस रूप में कार्य कर रहा है। बंधु, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है, अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे जो गरीब बसा होगा, अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसका पट्टा उसके नाम पर वहीं पर करके उसको आवास की सुविधा से आच्छादन करने का काम भी किया जा रहा है। और अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो पहले उसको भूमि आरक्षित पट्टा दिया जाएगा, कब्जा करवाया जाएगा, आवास उपलब्ध करवाया जाएगा, तब फिर उनको यहां से पुनर्वास की व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था, हर एक के पास अपना राशन कार्ड है, आज सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित होता हुआ आगे बढ़ रहा है और सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को देने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की वही सरकार है जो सरकार महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण करती है,
तो महाराज बिजली पासी के किले का पुनरुद्धार, ये कौशल किशोर यहीं पर बैठे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हीं की मांग पर लखनऊ में उनके किले का पुनरुद्धार करके उसको वहां पर भव्य स्मारक बनाने का काम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ये सरकार सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का सम्मान करती है और इसका मूल प्रेरणा है प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी प्रेरणा से सरकारें प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अक्सर सौ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। और आज के इस अवसर पर जब अनुसूचित जाति मोर्चा का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आगमन हुआ है, मैं उनका एक बार फिर से आगरा वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और देश के अलग अलग भागों से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य समागत अतिथियों का एक बार फिर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी भी अपने तमाम कार्यक्रमों और विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए आगरा पहुंचे, आगरा में आए हैं तो अलग राज्य से आए होंगे तो ब्रज भूमि का दर्शन जरूर करना, वृंदावन मथुरा के दर्शन करने जरूर जाना। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, संत रविदास को लेकर अपनी बात बोल रहे थे। प्राकर्म की धरती यहीं पे है और यहीं से हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक म्यूजियम को बनाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। आज यहाँ पे मंच पे हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं, उन सब ने भी जो सहयोग किया है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे रामचंद्र कनौजिया को, लाल सिंह आर्य को और हमारे अन्य अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ और अपने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम।